अचानक पहुंचने पे सबसे पहले मिले हैं। डिग ब्लॉक में स्वच्छ भारत मिशन फेज टू की शुरुआत हो चुकी है। डिग विकास खंड के ग्राम पंचायत नारे पार में गौशाला के निर्माण कार्य के दौरान कुछ अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली है। इस ग्राम पंचायत की गौशाला को आधुनिक तौर तरीकों से सुसज्जित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के अंतर्गत यहां पे प्रयोगात्मक कार्य कराए जा रहे हैं, खास तौर से गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की यहां प्रयोगात्मक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको बता दें, डीग ब्लॉक के नारेपार ग्राम पंचायत की इस गौशाला को अत्याधुनिक तौर तरीकों से सुसज्जित किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह चौहान और ग्राम प्रधान सीमा सिंह और उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह यहां निर्माण कार्य की दिशा में पूरी सजगता के साथ जुटे हुए हैं। हमारी टीम इस गौशाला पे अचानक पहुंची तो वहां सचिव पहले से मौजूद रहे। पानी नहीं, चींटी नहीं जाएंगे। ये वर्मी कंपोस्ट है। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट गांव में जैविक खाद उत्पादन के लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। पहले हम इसको इसमें गोबर डालेंगे, उसके बाद पुराने गोबर को उसमें बाद इसमें कछुआ डालकर इसको जैविक खाद बनाई जाएगी, जिसको ग्राम सभा में इनकम के लिए इसको बाद में पैकिंग करके और इसकी सप्लाई की जाएगी। नमस्कार, इस समय हम विकास खंड डीग के नारे पार ग्राम पंचायत की गौशाला में मौजूद हैं। नारे पार ग्राम पंचायत में जिस तरह से गौशाला को मूर्त रूप दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन फेज टू में यहाँ पे जिस तरह से कार्य कराया जा रहा है, नित नए प्रयोग के साथ साथ न सिर्फ यहाँ उत्तम व्यवस्थाओं की दिशा में यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के सचिव समेत जो केयर टेकर हैं वो जुटे हुए हैं। हम बात करते करते खियावत पियावत है, दिन भर हम गुरुवारी में लगा है जाए। पैसा वैसा मिलता है? अब हाँ मिलता है। आपका नाम? राम सजी। यहाँ आप केयर टेकर हैं तो गौओं की देखभाल करते हैं, किस तरह से करते हैं? सर, इनको तीन टाइम भोजन दिया जाते हैं, चारा, उसके बाद थोड़ा हम लोग टाइम मिलते हैं तो अपने हाथ से घास भी हरा छोड़ खिलाते हैं और यहाँ हम लोग हर चीज़ के लिए व्यवस्था इनका करते हैं। हाँ जी, और जो आपके सेक्रेटरी साहब हैं उनका भी लगातार यहाँ आना होता है कि नहीं? हमारे अचानक पहुँचने पर सबसे पहले मिले हैं और इन्होंने बताया कि ये नियमित गौओं की सेवा करते हैं। यहाँ संजय सिंह चौहान ग्राम पंचायत अधिकारी ने वर्मी कंपोस्ट स्थल बनाने की बात रही हो या फिर यहाँ गौओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं उसे मूर्त रूप देने में न सिर्फ प्रयोग किया है बल्कि यहाँ की तस्वीर बदलने में भी जुट गए हैं। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।